अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे, खुश होंगे, अल्लाह के हुक्म से ठीक होंगे। जी बच्चों, कैसा लग रहा है आपको पढ़ के? अच्छे लग रहे हैं लेक्चर? समझ आ रही है आपको? यकीनन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। आइए, आज का टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करता आ रहा हूं और आगे भी इंशाल्लाह करूंगा, तो हमारे इसी तरह के मज़ीद लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ठीक है बेटा, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और अपने काम को लेकर आगे बढ़ते हैं। जी तैयार हैं आप पढ़ने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? डिमांड कहते हैं तलब को। और तलब क्या है? दो चीज़ों के पूरे होने को तलब बोलते हैं। एक तो आपके आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए और एक दूसरा डिज़ायर होनी चाहिए। किसी चीज़ को ख़रीदने की कुव्वत ख़रीद भी हो आपके पास और उसकी ख्वाहिश भी हो, तो उसको डिमांड कहते हैं। आइए लॉ ऑफ डिमांड को जिक्र करते हैं और शुरू करते हैं बात। तारीफ़ इसकी क्या है? तारीफ़ इसकी है कि दीगर अमूर बस्तूर कायम रहते हुए जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो इसकी तलब कम हो जाती है। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ छोटी सी क्या नाम है डेफिनेशन को मेंशन कर दिया व्हाइट बोर्ड पे। दीगर अमूर बस्तूर कायम रहते हुए जब किसी शय की कीमत कम होती है तो इसकी तलब बढ़ जाती है, और जब इसकी कीमत बढ़ जाती है तो इसकी तलब कम हो जाती है। ऑपोजिट रिलेशन चल रहा है, नेगेटिव रिलेशन चल रहा है। क्या नेगेटिव रिलेशन चल रहा है? एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है तो पहली इंक्रीज हो रही है। ऑपोजिट रिलेशन में चलना है इसने। क्या करना है? जब किसी चीज़ की कीमत कम होनी है ना, कीमत कम हो रही है, प्राइस आपकी डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड आपकी क्या नाम है इंक्रीज हो रही है। और जब आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। ये एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। तो दिगर अमूर का मतलब क्या है वो आगे चल के मैं जिक्र करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं दिगर अमूर क्या है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी और इसको हम अगर टेबल के जरिए से परफॉर्म करके बताते हैं तो वो किस तरह किया जाएगा। गोशवारा लिख लें आप यहां पर। गोशवारा कहते हैं टेबल को। गोशवारा बना लें, लिखें यहां कीमत जिसको हम प्राइस बोलते हैं और यहां डिमांड, और यहां पर कुछ वैल्यूज मैं ले लेता हूं 8, 6 और ये 4, और एज इट इज यहां पर भी ले लेता हूं 4। देखिए प्राइस आपकी क्या नाम है 8 है तो आप डिमांड कर रहे हैं 4। आगे क्या नाम है ना, प्राइस डाउन होती है, अगर आपकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो आप क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं किसको, डिमांड को, और आप चले जाते हैं 6 पे। आपकी प्राइस और डिक्रीज हो जाती है, वो और कम हो जाती है, तो आप प्राइस के कम होने के बुनियाद पर आप डिमांड को मजीद इंक्रीज कर देते हैं और कहां पर ले जाते हैं 8 पर। देखिए प्राइस आपकी डाउनवर्ड जा रही है और आपकी ये चीज देखिए ये अपवर्ड हो रही है 4 से 6, 6 से 8। आपकी क्या नाम है ये प्राइस जो है 8, 8 से सीधा 6 पर आती है और 6 से फिर सीधा 4 पे चली जाती है। ठीक है बेटा, तो इन सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ कि प्राइस आपकी क्या नाम है कम होगी, प्राइस आपकी कम होगी तो डिमांड आपकी अप होगी। और अगर इस साइड से बात करूँ 4, 6, 8, अगर इधर से देखें, इधर से देखें, गौर करें, अगर 4 से 6 पर जा रही है और 8 पर जा रही है तो इंक्रीज हो रही है। तो ये देखें ये 8 से 6 फिर इधर से चले जाते हैं यूं 8, 6, 4। तो सिंपल सी बात है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है और दूसरी कम हो रही है तो फिर पहली बढ़ रही है। तो हमने क्या नाम है इस चीज को समझना है और बासानी क्या नाम है समझ लेना है। सिंपल, अगर आप ये वाले एरो को ही समझ लें तो आपको समझ आ चुकी होगी कि 8, 6, 4 किस चीज को शो कर रहे हैं, कि कमी को शो कर रहे हैं, और 4, 6, 8 बढ़ने का शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमने टेबल को जो बना लिया टेबल, इसकी यहां पर वजाहत भी करनी है, इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने में क्या करेंगे आप, कहेंगे क्या नाम है हमने प्राइस लिया है और डिमांड लिया है, और उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कहेंगे जी पहला जो यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे थे प्राइस हमारी सबसे पहले क्या है 8, तो उस पर हमारी डिमांड कितनी है 4, और फिर जब क्या नाम है हमारी प्राइस कम हो जाती है डिक्रीज होने के बाद हमारी 6 हो जाती है तो हमारी डिमांड भी हो जाती है 6, और जब आपकी मजीद कम होकर 4 पर आती है तो फिर आपकी कितनी हो जाती है डिमांड 8। तो इस तरह आप कुछ लाइनों में इसको क्या नाम है एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है कि नहीं? आइए आपको इसके क्या नाम है डायग्राम भी बनाना सिखाता हूं, वो डायग्राम कैसे बनेगी वो भी गौर से देखिए। डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना है, डायग्राम बनानी है आपने, डायग्राम को बनाने के लिए आपने करना क्या है, आपने ये गैप लेना है इक्वल,
यहां से भी इस साइड पर आपने किस चीज को ले लेना है, इस साइड पर आपने चीज को ले लेना है कीमत को, और यहां पर किस चीज को ले लेना है आपने तलब को। मतलब यह है कि एक्स एक्सिस पर आपने किसको लेना है डिमांड को, और वाई एक्सिस पर आपने किसको लेना है कीमत को। कीमत की जगह कीमत की वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल गैप रखना है, टू टू का डिफरेंस रख लिया मैंने बिटवीन, ठीक है, यहां से आपका जीरो हो गया और यहां से भी मैंने टू का डिफरेंस रखा है और मेरी वैल्यूज हो गई हैं ये। अब इन सिर्फ मिलाना है इन वैल्यूज को और क्या नाम है डायग्राम बनानी है। जब आपकी प्राइस कितनी है एट, जब आपकी प्राइस एट है तो आपकी डिमांड कितनी है फोर, ठीक है, उसके बाद आपकी प्राइस सिक्स है, तो आपकी क्या हो गई है डिमांड भी सिक्स हो गई है, और जब आपकी प्राइस फोर पे आई है देखिए तीनों पॉइंट्स को मिला देना आपने, फोर के साथ आपने एट को मिला दिया था, सिक्स के साथ सिक्स को मिला दिया था और फोर एट को मिला दिया था, और यूं क्या नाम है आपने एक स्लोप बना ली थी, कर्व बना लिया था, खत बना लिया था, जिसे हम क्या कहेंगे कानूने तलब का खत। ये नेगेटिव रिलेशन होता है इनका, आपस में क्या रिलेशन होता है इनका, रिलेशन नेगेटिव होता है, और क्यों वही नेगेटिव को शो कर रहा है, देखिए ये कम होता जा रहा है, अगर मजीद में कुछ वैल्यूज यूज करूंगा तो वह नेगेटिव होते हुए शो करेंगे, तो ये आपके पास लाव डिमांड का खत बन चुका है। तो सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है, आपने वैल्यूज को आपस में ज्वाइन करना है, मिलाना है, और उसके बाद आपने खत बना देना है, और आपकी इस तरह के नाम डायग्राम मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह आपने इसको भी वजाहत करनी है, आपने इसको भी वजाहत के जरिए से कैसे वजाहत करेंगे ये देखिए गौर से, मैं आपको सिंपल से तरीके से बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि बुक में जिस तरह बताया गया आपने वैसे ही लिखना है, आपने सिंपल से तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आपने कहना है कहना एक्स एक्सिस पर हमने किस चीज को लिया था तलब को, और वाई एक्सिस पर आपने किसको लिया था कीमत को। आपकी पहली कीमत कितनी थी आठ, जिस पर क्या नाम है आपकी तलब कितनी थी चार, आपने आठ और चार को मिलाकर एक डॉट लगाया है, पॉइंट मिलाया है, उस पॉइंट का नाम अगर आप रखना चाहें तो रख लें, नहीं तो जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चलें। और सिक्स आपकी क्या नाम है प्राइस हो चुकी है दूसरे यूनिट पर, दूसरे सिक्स पॉइंट को क्या नाम है आपने डिमांड सिक्स है उसके साथ मिलाया, फिर आपके क्या नाम है प्राइस और कम होकर क्या नाम है फोर हो गया, तो आपने उसको एट के साथ मिलाया, और इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने से आपके पास कौन सा खत बन गया कानून तलब का खत। तो इस तरह आपने उसको बता देना कि ये आपके पास लाव डिमांड का डायग्राम बन चुकी है, खत बन चुका है, ठीक है बेटा, इसको वजाहत कर देनी चंद एक लाइनों में और आपका यहाँ तक का क्वेश्चन क्या नाम है बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को मजीद आगे लेके चलना है और इसकी क्या नाम है अजम्पशंस भी पढ़नी है हमने, अजम्पशंस में देखना हमने क्या नाम है किस तरह अजम्पशन बताई जा रही है लाव डिमांड की और लिमिटेशन भी देखनी है। तो पहले मैं आपको क्या नाम है अजम्पशंस के बारे में बता रहा हूँ, अजम्पशंस कहते हैं मफरूजात को, हर लॉ में कोई ना कोई अजम्पशंस भी जरूरी होती हैं। तो पहली अजम्पशन में क्या नाम है वो आपको क्या बता रहा है, तमाम इकाइयां यकसा नौयत की होनी चाहिए, तमाम इकाइयां यकसा नौयत की होनी चाहिए, क्या मतलब है इक्वल यूनिट्स होने चाहिए आपके पास। इक्वल यूनिट्स का मतलब क्या है, जब आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं किसी भी प्राइस पर, एट रुपीज आप अगर दे रहे हैं और क्या नाम है डिमांड आप कितनी कर रहे हैं फोर, आप इसको केजी में भी ले सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं केजी में भी ले सकते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपने फर्ज ही करना है जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। आपने एट रुपीज अदा करके क्या नाम है फोर केजी चीज परचेज की है, तो क्या नाम है तमाम इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, जो चीज आपने क्या नाम है आठ रुपए में खरीदी है वही आपने छह रुपए में खरीदनी है और वही आपने चार रुपए में खरीदनी है, तो तमाम इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि पहली जब चीज आपने खरीदी थी आठ रुपए की तो वो कुछ और हो और दूसरी जब छह रुपए खरीदी थी तो कुछ और हो, क्वालिटी वाइज चेंज ना हो, एक जैसी चीज ही रहे। दूसरी बात जी बेटा समझ आ रही है बात, चलिए आगे देखिए, सार्फ इनकी पसंद ना बदले, पसंद किसे कहते हैं, उसकी पसंद ना बदले का मतलब यह है कि जब वो चीज को परचेज कर रहा है तो उसकी पसंद बदल जाने की वजह से वो चीज छोड़ देगा, और जब वो चीज छोड़ देंगे तो एक रीजन ये भी होगी कि नाम है उसकी कीमत कम की जाए, ऐसा ना हो चीज को वही पसंद करे, पसंद उसकी वही रहे, कीमत बदले, कीमत बदले। ये जो मैंने आपको बताया था ना दिगर अमूर बस्तुर कायम रहे, दिगर अमूर बस्तुर कायम रहने का मतलब ही यही रहता है कि पसंद ना बदले, टेस्ट ना बदले, मौसम ना बदले, आमदनी ना बदले, तो ये वो सारी चीजें होती हैं। तो उसकी पसंद बदल गई तो उसको चीज की कीमत कम करनी पड़ेगी, ठीक है, वो क्योंकि पसंद बदल जाने की वजह क्या होती है, इंसान एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज परचेज करना शुरू कर देता है, तो उसकी पसंद भी ना बदले बल्कि वो उसी चीज को खरीदता रहे। आगे देखिए तीसरे पॉइंट में,
तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, सार्फिन की आमदनी ना बदले। देखिए ये बड़ा मेन चीज़ है, आमदनी अगर बदल जाती है, मेरी अगर मैं चीज़ें खरीदता हूँ और मेरी आमदनी अगर डिस्टर्ब हो जाती है, अगर मेरी आमदनी डिस्टर्ब होती है तो मैं कम कर दूंगा अपनी क्या नाम है ख़रीदारी को। तो आमदनी मेन फैक्टर है यहाँ पर, तो आमदनी उसकी तब्दील नहीं होनी चाहिए, आमदनी उसकी उतनी ही रहनी चाहिए। हाँ, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो फिर क्या नाम है क्या होगा, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से उसकी डिमांड चेंज ज़रूर हो जाएगी, लेकिन उसकी आमदनी बदल जाने की वजह से वो सारा कुछ ही चेंज कर देगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए बेटा, मतबादल अशिया। मतबादल अशिया किसे कहते हैं, मतबादल अशिया कहते हैं अल्टरनेटिव गुड्स जो होती है ना, आप एक चीज की जगह पर दूसरी चीज इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे, मतलब कोल्ड ड्रिंक में कोई भी कोल्ड ड्रिंक अगर आप ले लें, एक कोल्ड ड्रिंक अगर शॉर्ट हो जाती है तो दूसरी आप पी लेते हैं। इसी तरह क्या नाम है, चाय की पत्ती ले लें तो चाय की पत्ती में अगर एक कंपनी की चीज़ क्या नाम है आपको पसंद नहीं आ रही, या उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं आ रहा, या उसकी शॉर्टेज होने की वजह से आप कोई और चीज़ परचेज कर लेते हैं, तो मुतबादल अशिया की कीमतें भी ना बदलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या नाम है अफेक्टेड होती हैं। क्या करती हैं, अगर एक कंपनी आप रेट चेंज करती है तो लोग अपनी डिमांड चेंज करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। अगर एक चीज़ की कीमत कम होगी या दूसरी किसी कंपनी की चीज़ की कीमत कम होगी तो लोग उसको परचेज करना शुरू कर देंगे। रूह अफजा है, रूह अफजा की कीमत अगर क्या नाम है उसी जगह पर स्टिल रह रही है लेकिन जामेश्वरी की कीमत कम कर दी गई है, तो लोगों ने क्या करना, रूह अफजा को परचेज नहीं करना, किसको परचेज करना शुरू कर देना, जामेश्वरी को खरीदना शुरू कर देना। तो दूसरी चीज़ों की कीमतें बदल जाने से भी डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये हम अजम्पशंस कर लें, नोट कर रहे हैं, अजम्पशंस समझ रहे हैं, तो इसमें ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है। लाम है शय का नया नियम बदल दरियाफ्त ना हो। नियम बदल कहते हैं चीज़ का, जैसे चीज़ है वैसी ही कोई चीज़ दूसरी मार्केट में ना आ जाए, क्योंकि अगर वो मार्केट में आएगी तो ज़रूरी सी बात है, नहीं नहीं जब होगी तो अच्छी चीज़ को बनाएंगे, क्वालिटी भी उसकी अच्छी होगी, प्राइस भी उसकी क्या नाम रीजनेबल होगी। तो शय क्या नियम बदल भी मार्केट में दरियाफ्त ना हो, अगर ऐसा होता है तो फिर भी डिमांड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, डिमांड चेंज हो जाती है। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है, क्योंकि नई चीज़ आएगी मार्केट में तो जाहिर सी बात है क्या नाम है लोग उसको भी टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो जब नई चीज़ खरीदी जाएगी तो वो पिछली को छोड़ देंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं आबादी में तब्दीली ना आए। आबादी कहते हैं पॉपुलेशन को, मुल्क की आबादी में अगर तब्दीली आती है, आबादी अगर बढ़ जाती है तो आपकी डिमांड बदल जाएगी, क्योंकि प्राइस तो वही रहेगी लेकिन लोग डिमांड को बढ़ा देंगे, और डिमांड बढ़ने की वजह क्या होगी, आबादी का बढ़ जाना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आबादी अगर कम हो जाती है तो प्राइस फिर भी वही रहती है तो डिमांड कम हो जाएगी, तो आबादी भी अफेक्टेड होती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, और आगे चल के देखते हैं क्या नाम है मुल्की करेंसी। मुल्की करेंसी किसे कहते हैं, जो हम पैसा यूज कर रहे होते हैं। मुल्की करेंसी की कदर में तब्दीली ना हो, तब्दीली हो जाने की वजह से क्या होता है, मुल्की करेंसी की कदर में तब्दीली हो जाती है ना, जब तब्दीली होती है, तब्दीली दो सेंस में होती है, या तो कदर बढ़ जाती है या कदर कम हो जाती है। जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो आपको ऐसे लगता है जी मुल्की करेंसी की कदर बिल्कुल कम हो गई है, और जब कीमतें कम होती हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे क्या नाम है मुल्की करेंसी की कदर बढ़ गई है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। करेंसी की कदरों कीमत भी नहीं बढ़नी चाहिए, ज़्यादातर क्या नाम है ना हमारी जो प्राइस की प्राइस जो होती है क्या नाम है वो करेंसी पर बड़ा ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है, अफेक्टेड करती है, और क्या नाम है असरअंदाज जाती है बहुत ज्यादा। करेंसी को क्या नाम है, जिस तरह डॉलर की बात ही कर लें, अब एक रुपया डॉलर की सूरत में, लेकिन क्या नाम है वो रुपयों की सूरत में अगर देखा जाएगा तो 100-150 रुपए के सेंस में आ जाएंगे, तो आप तो चीज बाहर से 1 रुपए की परचेज ही कर रहे होंगे, लेकिन जब वो अदायगी की जा रही होगी किसी और मुल्क की करेंसी में तो फिर बहुत ज्यादा असरअंदाज होगी वो चीज। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और 9वें पॉइंट में देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। कीमत में मजीद तब्दीली का इम्कान ना हो। कीमत में मजीद तब्दीली का इम्कान का मतलब क्या होता है, कीमत में मजीद तब्दीली नजर आ रही है जी क्या नाम है आने वाले दिन में कोई खास दिन आने वाला है तो लोग कीमतें जब बढ़ा देते हैं, जैसे क्या नाम है ईद आने वाली है तो उनको पता जी लोगों ने तो चीज़ें खरीदनी है, कीमतें बढ़ा दो, रमजान आने वाला है कीमतें बढ़ा दो, तो ऐसा ना हो कि आप आने वाले वक्त को देख रहे हो और आप कीमतें बढ़ा दें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, 10वें पॉइंट में शय का इस्तेमाल बायस से इम्तियाज ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ को खरीद कर दूसरों को दिखाने की खातर अपने आप को आला साबित करने के लिए, बदतर साबित करने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए क्या नाम है क्या करते हैं, अपने आप को बेहतरीन साबित करने के लिए चीज़ें महंगी से महंगी खरीद लेते हैं, जिसमें लाओ डिमांड तो गलत हो जाता है। वो कह रहा है लाओ डिमांड क्या कह रहा है, जब प्राइस आपकी क्या नाम है डिक्रीज होनी है तो आपने डिमांड को इंक्रीज करना है, और प्राइस इंक्रीज होने पर आपने डिमांड को डिक्रीज करना है, लेकिन वो तो इंक्रीज करता जाएगा कीमत, वो मुंह मांगे पैसे लेगा और आप अपनी डिमांड कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे। सिर्फ किस लिए कि बायस इम्तियाज शो करने के लिए, आपने अपने आप को बायस इम्तियाज जाहिर करना है जी मैं दूसरों से क्या नाम है आला हूं, मैं महंगी से महंगी चीज पहनता हूं, खाता हूं, ओढ़ता हूं, लेता हूं, यूज करता हूं, गाड़ी के सेंस में या बाइक के सेंस में या घर के सेंस में, तो फिर ये चीज़ें यहाँ पर आकर क्या नाम है डिमांड के जो लव डिमांड है उसको गलत साबित कर देती हैं। तो आपने इस बात को भी समझना है कि चीज़ का इस्तेमाल बायस इम्तियाज ना हो।
जी बच्चों समझ आ रही है बात, यहाँ तक मैंने आपको क्या नाम है क्या चीज़ समझा दी है, आपको असम्पशन समझाई है, मफरूजात समझाए हैं। लास्ट में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लिमिटेशंस को लॉ ऑफ डिमांड की। तो लिमिटेशंस में हदूद में पहली हदूद क्या कही जा रही है, जो बात अभी मैंने मुकम्मल की है वही चीज़ आगे आ गई है। बायसे इम्तियाज शय ना हो, बायसे इम्तियाज शय जो होती हैं लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आती, बायसे इम्तियाज शय नहीं आती। उसकी वजह क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि ये दिखावे के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये चीज़ें भी इसमें नहीं आती। दूसरा पॉइंट है नायाब अशिया, नायाब अशिया इसमें क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि नायाब की कभी भी प्राइस कम नहीं होती, उनकी तो प्राइस बढ़ती ही है, वो डे बाय डे और ज्यादा क्या नाम है महंगी होती हैं, तो इसलिए वो चीजें भी इसमें नहीं आती। जरूरियात जिंदगी की चीजें, जैसे खाने की चीज़ें ले लें आप, खाने पीने की चीज़ें, क्या कीमतें बढ़ जाने पर हम खाना छोड़ देंगे या कीमतें कम होने पर हम ज़्यादा खाने लग पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें भी जो होती हैं वो इसमें नहीं आती हैं। घटिया अशिया भी इसमें नहीं आती हैं, घटिया अशिया, घटिया अशिया होंगी क्या होगा, वो प्राइस जैसे जैसे घटिया होती जाएंगी तो वो प्राइस कम करता जाएगा, तो हम डिमांड बढ़ाते जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो घटिया अशिया भी इसमें नहीं आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा फाइव में ला इल्मी, ला इल्मी का मतलब क्या होता है, आपको इल्मी ना होना। आप चीज़ जाते हैं खरीद कर घर आ जाते हैं, चीज़ जाते हैं घर आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ला इल्मी नहीं होना चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए कि हर चीज़ के अंदर कितने क्या नाम है फातियत रखी जा रही है, फातियत है। अब मुख्तलिफ चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं एक प्राइस पर ही, एक ही क्या नाम है ना सरफ को ले लें तो वही कीमत पर क्या नाम है 10 रुपये या 20 रुपये की, वही एक कंपनी बना रही है, दूसरी कंपनी बना रही है, तीसरी कंपनी बना रही है। दूध ले लें अगर आप इस्तेमाल के लिए, जो दूध हम लेते हैं पैकेट में, तो वो कीमत वही है 100 रुपये या 150 रुपये, तो क्या नाम है मुख्तलिफ कंपनी बना रही है। तो हमें यह देखना है कौन सी वाली चीज ज्यादा अच्छी है, उसकी फादियत कितनी उसमें फादियत है, तो यह चीज भी लाइन में भी इसमें नहीं आती। तलीद ये भी इसमें नहीं लाइक करता, लोग एक दूसरे के कहने पर क्या नाम है चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, प्राइस को नहीं देखते हैं। जी बहुत ने मुझे फलाने रिश्तेदार ने कहा था, क्या नाम है दोस्त ने कहा था ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो कोई बात नहीं अगर महंगी भी मिले तो तुम खरीद लेना, ये है कि जी प्राइस ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, चीज़ बहुत अच्छी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के कहने पर चीज़ को नहीं खरीदना, आपको इल्म होना चाहिए। आप अपनी रिसर्च करें, जाएँ मार्केट में घूमें, विजिट करें और देखें कौन सी चीज़ अच्छी है और फिर लेकर आएँ। त्यौहार, त्यौहार भी इसमें नहीं आते, जैसे क्या नाम है हमारे यहाँ मुख्तलिफ त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, तो वो भी इसमें लाइक नहीं करते, जैसे कि ईद आती है, रमज़ान आता है, ईद मिलादुन नबी आता है, और क्या नाम है मुहर्रम आते हैं, उनमें क्या नाम है चीज़ों की कीमतें अगर ऐसा देखा जाए तो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ ये देखने में मिलता है कि लोग कीमतों को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर क्या नाम है ना कोई अगर खुशी का दिन आया तो लोग अपनी खुशी में वो चीज़ को कहते हैं इस्तेमाल तो करना है, तो वो महंगी भी खरीद लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या नाम है हमारे यहाँ ऐसा होता है, क्या नाम है देखने में मिलता है कि कीमतें उन दिनों में बढ़ा दी जाती है, तो लोग फिर कीमतों को नहीं देखते हैं और डिमांड कम नहीं करते हैं बल्कि डिमांड बढ़ाते ही हैं, तो इसलिए वो लाभ गलत हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है क्या नाम है त्यौहार फेस्टिवल भी इसमें लाइक नहीं करेंगे, नहीं आएंगे। तो ये कुछ हदूद थी जो मैंने आपको बताई हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा टॉपिक ही बहुत आसानी से आपको समझ आ चुका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये टॉपिक पढ़ लेने के बाद बहुत से टॉपिक आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और क्या नाम है आपकी जो क्या नाम है कमेंट्स में क्या नाम है आप बताते हैं कि आपको कैसा समझ आ रहा है, कैसे आपके लेक्चर चल रहे हैं, तो यकीनन आप हमसे फिर इस बार इजहार कीजिएगा, और मज़ीद आने वाले मेरे लेक्चर्स को समझने के लिए सुनने के लिए क्या नाम हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।